यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये कौन थे, आप बोलेंगे मुगल शासक थे, मुगल सल्तनत के बादशाह थे। तो मैं बोलूँगा कि मुगल सल्तनत जैसी कोई चीज़ एक्सिस्ट ही नहीं करती थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो आप क्या बोलेंगे? आप तो मुझे भर भर के गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि भाई वो लोग मुगल थे, हमने NCERT की किताबों में भर भर के पढ़ा है। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देता है और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखता है, जहाँ बादशाहों का शासन जो है प्रारंभ हो जाता है और वही सुल्तानों का शासन समाप्त हो जाता है। तो हमने यही पढ़ा है ना। तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल झूठ है, मुगल सल्तनत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मैं अगर बोलूँगा आपको कि बाबर ने बाबरनामा में स्वयं लिखा है कि मुगल ये जो चीज़ है उनसे नफरत, इस शब्द से वो नफरत करता है। मुगल वो अपने आप को नहीं कहता, वो अपने आप को बोलता है तैमूरियन गुरखायन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप आभास जी के जो देखिए कितने सारे वो पॉडकास्ट में जा के बोल रहे हैं, मैं इसको सुन के खुद ही शौक रहेगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करते हैं। आप क्लिप्स देख सकते हैं कुछ, मैं लगा देता हूँ। मुगल से उसको जो शब्द है उससे परेशानी थी। तो सबसे पहली बात ये कि बाबर ने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं किया था, तो शायद अगर आप ये किसी परीक्षा में लिख देंगे तो आपको शून्य अंक मिल जाएंगे। हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट आया, एक तो ये मतलब वो पब्लिश किया तो उसने खुद को मंगोल के लाइन में देखा नहीं। और आज भी हम जो फादर के लीनिएज होते हैं उसी से कुछ भी ये देखते हैं, मदर के लीनिएज से जनरली वो नहीं आता है। सो उसकी जो फादरली लाइन है वो तैमूर के लाइन से आ रही है। उसके जो पिताजी थे उमर शेख, उसके पिता अबू सईद मिर्जा, सो इनका लीनियस तैमूर से चला आ रहा है। और माँ के साइड चंगेज़ खान से है। तो उन्होंने जब बाद में अम्पायर भी इस्टेब्लिश किया उसका नाम उन्होंने तैमूरिड गुरखानिया ही रखा, और मंगोल या मुगलों से वो काफ़ी नफरत करते थे। अच्छा। और भी वीडियोस के बीच में मैं कुछ क्लिप्स वगैरह लगाता रहूँगा, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे उस उन लोगों के बारे में जो है कई सारे राज को जो खोला गया है, क्योंकि बाबर ने बाबर नाम खुद इस चीज़ को लिखा है। हमने ये तो नहीं है कि हमने कोई दूसरा सोर्स उठा लिया हो या किसी का फर्जी लेख को उठा लिया हो और आपको बता रहे हूँ। भाई बाबर अपने बारे में और मुगल जो अपने जो बोलते हैं सो कॉल्ड मुगल सदर, इसके बारे में लिखता है खुद कि ऐसा कोई मुगल शब्द हमारे लिए है ही नहीं, उस चीज़ से वो नफरत करता है, किस प्रकार जिहाद काम करता है, किस प्रकार से उन लोगों की रणनीति होती है, किस प्रकार से बाबर को गे तक कहा जाता है, इसके पीछे भी सच्चाई है। बाबरी मस्जिद क्या है, बाबरी नाम का कोई उसके पास व्यक्ति था, उसके क्या क्या शौक पाल रखे थे, ये सब चीज़ कर पूरे बाबर ने डिटेल में लिखा हुआ है अपने ही बाबरनामा में। और ये भी नहीं है कि किसी दूसरे से उसने लिखवाया हुआ है, उसने खुद लिखा हुआ है अपनी आत्मकथा को। तो सोच सकता है कि वो भारत के बारे में क्या सोचता है। बाबर को सबसे पहले बार कोहिनूर हीरा मिला था, तो उसने उसको देख के क्या कहा था कि ये कोहिनूर है, अर्थात बाबर को ही मिला था सब मुगल शासकों में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण से जब जो है मलिक काफूर जाके हमला करता था वहाँ से कोहिनूर हीरा को उठा के लाता है, उस समय से बाबर के पास वो घूमते हुए आता है। इस प्रकार से आज जो है लंदन में ब्रिटेन में है, तो इस प्रकार से इसका जो इतिहास है वो ही बाबर से जुड़ा हुआ है। बाबर भारतीय जो महाद्वीप के लोग हैं उनके बारे में किस प्रकार से बुराइयाँ लिखता है, कैसे वो जो है भारतीय राजाओं में महाराणा सांगा को और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाता है, और किस प्रकार से अपनी जो है नीतियों को जिहाद के जो संबंधित चीज़ है, धर्म संबंधित चीज़ है, कट्टरपंथी है, ये सब चीज़ को अपने डिटेल से पूरा बाबर नाम में लिखता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये हमें कुछ सोर्सेस मिलते हैं आभास जैसे कि देखें उन्होंने खुद बाबर के बारे में रीड किया, उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो वो बताते हैं कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई है ना इन सब चीज़ के बारे में उसको वो बताते हैं, पूरा खोल देते हैं पर्चा चिट्ठा उनका। आगे चलते हैं, तो बाबर तो हो गया, उसके पश्चात आता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं, क्योंकि वो जीवन भर जो है इधर उधर करता रहा है। इसमें जो है आगे बात करते हैं अकबर के बारे में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसको कहते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि ये शासक है जो मुगल सल्तनत में सबसे रहमदिल, सबसे जो है सिंपैथी गेन करने वाला, सबसे धार्मिक कट्टरता को ना मानने वाला एक सहिष्णु राजा था, एक सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर जिसे कहते हैं ना वो था। ठीक है, चलिए मानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं आभास जी अपने जो पॉडकास्ट है उसमें, ये मतलब वो क्यों हेट करता था इस शब्द से, मुगल से, और किसने एस्टेब्लिश किया मुगल एम्पायर को। सो मुगल एम्पायर बोल करके कोई एम्पायर नहीं थी, सिर्फ मंगोल एम्पायर थी जिसको जो मंगोलिस्तान में एग्जिस्ट करता था। और बाबर ने जो एम्पायर एस्टेब्लिश किया था उसका नाम था तैमूरिड गुरखानिया, और ये तैमूरिड गुरखानिया 2.0 था। पहला तैमूरिड गुरखानिया एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट तैमूर ने किया था। और इसकी कहानी थोड़ी पीछे जाती है, तैमूर और चंगेज खान दोनों के एक कॉमन एंसेस्टर हैं। और ये एक सोर्स नहीं, कई सारे सोर्स है, अकबर नामा में खुद लिखा हुआ है सब चीज़ कि अकबर गाजी मानता था अपने आप को, बाबर भी गाजी मानता था, अर्थात ये लोग जब कोई मारते थे युद्ध जीते थे तो वहाँ पे नर मुंडों के ये लोग जो मीनारे बनाते थे।
तो ये इन लोग का कल्चर ही जो है सिम्बोलिज्म होता है कि आप शत्रु सेना को पराजित करो, उनके नर मुंडों को काट के उसका मीनार बनाओ। तो यहाँ पर बाबर लिखता है, अकबर भी लिखता है, जब वो चित्तौड़गढ़ में नरसंहार करता है हेमू को जो है हराता है, तो उस प्रकार से पानीपत द्वितीय युद्ध में जब हेमू को पराजित करता है तो वो जो नर मुंडों के सर बोलता है बाबर की 200 सिर हुआ करते थे एक एक मीनारे में। तो सोच सकते हैं आप कि किस प्रकार से लोग कट्टर थे। और चित्तौड़गढ़ में अकबर ने जो है खुलेआम 40,000 चित्तौड़ के जो है आम नागरिकों का जो है कत्लेआम किया था, नरसंहार, सो कॉल्ड जेनोसाइड किया था। तो आप सोच सकते हैं इनको ये लोग सहिष्णु बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अकबर मीराबाई जी के भजन सुनने जाया करते थे, मतलब कुछ भी बना के बोल दिया जाता है कि अकबर को सहिष्णु दिखाने के लिए। बोलते हैं गंगा तट पर जाकर पूजा करता था, क्या बात है। अकबर के जो नार्सिसिस्ट बोलते हैं अकबर को, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो अलग लेवल की थी। वो अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहता था, सबसे ऊपर बनाना चाहता था, इसीलिए वो जो है अपना उसने अपना नाम अकबर रखा था। उसकी मीनिंग भी बहुत जो है डीपली है, उसको आप सोचेंगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लोग कोई सहिष्णु नहीं थे भाई। और जो बोलते हैं ना कि ये सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से फिर जो है राजनीति था कि युद्ध कर रहे हैं, भाई बिल्कुल धार्मिक कट्टरता के आधार पर जो है ये सब निर्णय लिए जाते थे। और अकबर ने जो है राजपूतों से मित्रता क्यों की थी, क्योंकि वो सहिष्णु था बिल्कुल नहीं, वो तो से डरता था कि ये एक हो गया तो मुगल सल्तनत को समाप्त कर देंगे। और ऐसा होता भी, अगर महाराणा सांगा को एक बार फिर से जो है समय मिल जाता युद्ध करने के लिए तो बाबर को और मुगल सल्तनत को पूरा समाप्त कर देते वो। लेकिन उनके ही सामंतों ने उनको छल करके उनको विष दे दिया और उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से जो है भारत में ही गद्दार छिपे हुए हैं, इसी कारण से विदेशी हम पे राज करते आए। भारत को तोड़ो, मतलब वो जो फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने भी अपनाई, वैसे विदेशियों ने भी जो है घूस दे के छल कर करके हमारे ही राजाओं को, हमारे ही जो देश के नागरिक हैं उनको जो है अपने साथ मिला लिया। और इसी प्रकार से गद्दारी करके उन्होंने जो है विजय प्राप्त की और भारत पे शासन किया। भारत कोई 1000 साल तक गुलाम नहीं था। भारत एक दिन के लिए भी गुलाम होता तो सनातन धर्म समाप्त हो जाता, हिंदुत्व खत्म हो जाता। लेकिन ऐसे ऐसे महावीर और ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को शीश कटवा लिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन धर्म को नहीं त्यागा, तभी आज सनातन जीवित है, तभी आज हम उनके में कम पढ़ रहे, क्योंकि इतिहास जो है जो जिन्होंने लिखा उन्होंने उनका जो है अस्तित्व मिटा दिया। जैसे कि सावरकर को लीजिए, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब के बारे में बहुत कम कम हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि जो इनके लोकल एरिया वहाँ पे लोग जानते हैं, लेकिन हम भारतवर्ष में इनको सेलिब्रेट करते मानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि इतिहास लेखन जिन्होंने किया उन्होंने इन सब के जो रहस्य था, इनके जो इतिहास थे गौरवशाली, जो महिमा मंडन इनको जो करना चाहिए था उसको छुपा दिया। जैसे कि आज़ादी के बाद उन्होंने क्रेडिट लिया जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा था, लेकिन असल में जो जिन्होंने बलिदान दिया अपने आप को, काला पानी के साथ जिन्होंने भुगती, मैं एकाश सावरकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों सेनानियों की बात कर रहा हूँ, हमारे लक्ष्मीबाई जी की बात कर रहा हूँ, भगत सिंह जी की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नेताजी सुभाष चंद्र, इनको उतना श्रेय दिया ही नहीं गया जितना ये लोग डिजर्व करते थे, जितना इन लोग को आवश्यकता थी, जिनको जितना इन लोग को मिलना चाहिए था। इस प्रकार से भारत में जो है छल होता रहा। तो ये टॉपिक तो कुछ अलग ही चेंज हो गया, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि इतिहास में बहुत सारे जो है तथ्य है जो कि खुलना बाकी है। जैसे कि ये जो मुगल सल्तनत सुनते हैं ये जो है तैमूरियन गुरखान कहते हैं, जहाँ तैमूरलंग से लेकर चंगेज खान का जो वंशज था वहाँ तक जो है कनेक्ट करता है जो मुगल सल्तनत है, और जो बाबर की जो जड़ें हैं, अकबर की जो जड़ें हैं। तो इस प्रकार से हमें बताना यही था कि आप जो सो कॉल्ड मुगल सल्तनत पढ़ते हैं ना, ये मुगल नहीं है ये। अब मुगल सल्तनत से तो खुद बाबर को नफरत था, आप हमें उनको जो मुगल पढ़ देते हैं, सहिष्णु पढ़ देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाने के लिए लाखों 40 लाख जो है गरीबों को अकाल में मार दिया। हम जो है वहाँ पे जो है अंग्रेजों को गाली देते हैं कि उन्होंने जो है बंगाल में अकाल पड़ा तो इन्होंने अन्न नहीं भिजवाया, लाखों लोग मरे, लेकिन भाई मुगल सल्तनत में भी ताजमहल खड़ा किया जा रहा था प्यार की निशानी के नाम पे, इधर जो है भूखे मर रहे थे भारत में अकाल में लोग। तो सोचिए ये क्या है, ये सहिष्णुता है क्या है, आप अपने आप में जो है निर्णय लीजिए। बाकी मेरा यही मानना था, मैं यही बताना चाहता था कि जो सोर्सेस है उसको पॉडकास्ट वगैरह को आप देखो, समझो इतिहास में क्या क्या हुआ है, और बाबर और जो मुगल सल्तनत है इसके बारे में जो रहस्य है उसको खोलो और उसके बारे में देखो। मैं आभास जी का जो है आपको चैनल वगैरह लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप देख लीजिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।